माना जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उसी तरह ये कहानी भी एक ऐसी एक लड़की की है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहती है, और इस लड़की का नाम है तरला। शादी से पहले हमें दिखाया जाता है कि तरला कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और अगले महीने से उसका बीए का फाइनल एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसके लिए उनके टीचर्स उन सभी स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि जिंदगी में कोई भी काम अगर करना हो तो उसे एक बार में कर लेना चाहिए। उसके बाद तरला जब अपने घर पहुँचती है तो वो सुनती है कि उसके पापा अपने फोन पर दलाल फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि दलाल फैमिली हमारे बाबा जी के घर पर ठहरे हुए हैं और वहाँ उन्होंने तरला की हाथ की बनाई हुई अचार को खाया है और उसका टेस्ट उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो सभी तरला को देखने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद रात के समय तरला अपने मम्मी पापा से कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, क्या करना है ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मगर उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि एक बार शादी करने के बाद तुम्हारा मन जो तुम चाहो वो अपने जीवन में कर सकती हो। फिर अगले दिन लड़के वाले तरला को देखने के लिए आते हैं। लड़के का नाम है नलीन दलाल। वो एक इंजीनियर है और मुंबई के एक फैक्ट्री में काम करता है, और अगर तरला के हाथ का बना हुआ खाना नलीन को पसंद आ जाता है तो वो शादी के लिए मान जाएगा। नलीन खाना तो खा लेता है, पर आखिर में जब वो गाजर का हलवा खाता है तो उसके पहले तरला हलवे में एक दवाई मिला देती है जिसके चलते लूज मोशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही नलीन हलवा खाता है उसे खांसी होने लगती है। ये देखते ही उसकी माँ उसे पूछती है कि तुम्हें खाना पसंद आया कि नहीं, मगर नलीन तरला को देखते हुए कहता है कि मुझे खाना बहुत पसंद आया और वो शादी के लिए भी मान जाता है। ये देखकर तरला चौंक जाती है। रात के समय नलीन तरला को फोन करता है और उसे कहता है और उसे पूछता है क्या हम लोग मिल सकते हैं। तरला मान जाती है और दोनों एक होटल में मिलते हैं जहां तरला पूछती है क्या आप मांस मछली खाते हो। नलीन कहता है नहीं, पर अगर कोई ऑफर करता है तो मैं खा लेता हूं। तरला कहती है कि मुझे आपसे प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मगर क्या करना है मुझे अभी तक नहीं पता। ये सुनकर नालीन कहता है कि जिस दिन तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें क्या करना है उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर तरला खुश हो जाती है और शादी के लिए मान जाती है और दोनों की शादी भी हो जाती है। अब कई साल के बाद दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। फिर एक दिन तरला नालीन से कहती है कि मैं खिड़की के बाहर उस भंगार वाले को देखती हूँ और उस भंगार वाले को भी पता है कि उसे अपने जीवन में क्या करना है, और एक मैं हूँ जिसे अभी तक नहीं पता कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है। नलिन कहता है कि वो भंगार वाला एक नंबर का बेईमान आदमी है और तुम मुझसे जल रही हो, ऐसा सोचना बंद कर दो, मुझे तुम पर विश्वास है, एक ना एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें क्या करना है। अगले दिन तरला सभी के लिए खाना बनाने लगती है और उसके बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और नालीन भी अपना ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, और जल्दी जल्दी में तरला नालीन को टिफिन देना भूल जाती है। इधर हम नालीन को देखते हैं जो फैक्ट्री पहुंच जाता है और अपना काम करने लगता है। वहां उसे मिलने के लिए उसका स्टाफ मरकंद आता है और वो नालीन की तारीफ करता है कि आज आपने जो शर्ट पहना हुआ है वो सच में आप पर जच रही है। और दोनों जब लंच करने के लिए जाते हैं मरकंद अपने टिफिन में चिकन लेकर आता है। ये देखकर नलिन का तो मन ललचाने लगता है और मरकंद उसे चिकन खाने के लिए देता है। नलिन चिकन खाना शुरू करता है पर तभी वहां पर तरला पहुंच जाती है उसे टिफिन देने के लिए, और नलिन को देखकर वो रोने लगती है। रात के समय तरला नलिन को डांटती है और कहती है कि मैंने आपको देखा कि आप ऑफिस में चिकन खा रहे थे। ये सुनकर नलिन हैरान हो जाता है और तरला रोते हुए वहां से चली जाती है और कहती है कि मेरे किचन में आप मत आइएगा। फिर अगली सुबह तरला अपने पड़ोसी आंटी के साथ सब्जी बाजार करने के लिए निकलती है। वहां तरला कहती है कि मैं चाहती हूँ कि नालीन अपने आप ही नॉन वेज खाना छोड़ दे। ये सुनकर उसकी आंटी कहती है कि नालीन ये सब खाना छोड़ देगा तो चिंता मत कर। उसकी आंटी ये भी कहती है कि कल मैं मुर्ग मुसल्लम बनाऊंगी जो कि एकदम चिकन की तरह टेस्ट करता है और तुम्हारे अंकल को भी ये बहुत पसंद है। फिर अगली सुबह तरला के किचन में चिकन का स्मेल आ रहा होता है, मगर तरला अपनी नौकरानी से कहती है कि ये चिकन नहीं है बल्कि मुर्ग मुसल्लम है, और वो खुद से डिश को बनाने की कोशिश करती है। वो अपनी आंटी को खिलाती है और उसकी आंटी कहती है कि ये कौन सा डिश है। तरला कहती है बटाटा मुसल्लम, आपके मुर्ग मुसल्लम से मुर्ग मैंने हटा दिया और ये बटाटा मुसल्लम मैंने बनाया है। ये खाकर उसकी आंटी कहती है कि ये तो एकदम चिकन की तरह टेस्ट कर रहा है, और तरला बताती है कि यही डिश मैंने नलिन के टिफिन में भी दिया है। रात के समय जब नलिन अपने ऑफिस से घर वापस आता है तरला उसे पूछती है कि आज आपको आपका टिफिन कैसा लगा। नलिन कहता है कि आज मेरा टिफिन नीचे गिर गया था और आज मैं कैंटीन में ही जाकर अपना टिफिन कर पाया। ये सुनकर तरला थोड़ी उदास हो जाती है।
मगर नालिन कहता है कि अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, आज का टिफिन बहुत ही अच्छा था। ये सुनकर तरला खुश हो जाती है। अगले दिन फिर से आंटी तरला के घर आती है और उसका गोभी 65 डिश खिलाती है। ये खाकर आंटी को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा डिश है। तरला कहती है कि आपकी चिकन 65 में से मैंने चिकन को हटा दिया और उसमें गोभी मिलाकर मैंने गोभी 65 बनाया है। ये खाकर उसकी आंटी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी बेटी काव्या को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और उसे खाना बनाना भी नहीं आता, और कल से मैं काव्या को तुम्हारे पास भेज दूंगी और उसे खाना बनाना तुम सिखा देना। अगले दिन से काव्या खाना बनाने सीखने के लिए आती है और तरला उसे रोटी बनाना सिखाती है। अब ऐसे ही करते करते वो दिन आ जाता है जब काव्या की शादी हो रही थी, जहां नलिन तरला को लेकर उस शादी में जाता है। काव्या तरला को देखकर उसे गले मिलती है और कहती है कि आपकी सिखाई हुई डिश मैंने अपनी सासू माँ को खिलाया, जिसे खाकर उन्हें बहुत पसंद आया, और मैंने ये भी पूछा कि शादी के बाद मैं जॉब करना चाहती हूँ और इसके लिए मेरी सासू माँ मान गई। फिर एक एक कर हम देखते हैं कि तरला से बहुत सारे लोग अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने के लिए कह रहे थे ताकि उनकी बेटी की भी शादी हो जाए। ये बात तरला नलिन से कहती है और नलिन कहता है कि खाना बनाना तो बहुत अच्छा काम है और यहाँ बहुत लोग हैं जिन्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता, और अगर तुम सभी लड़कियों को खाना बनाना सिखाओगी तो उनकी भी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। अगले दिन सभी कुकिंग क्लासेस की तैयारियां करते हैं और उसके बाद सोसाइटी की सभी लड़कियां तरला के घर पहुंच जाती हैं। तरला थोड़ा नर्वस फील करती है क्योंकि आज से पहले वो कभी किसी को कुकिंग क्लासेस नहीं दी है। वो सभी से कहती है कि आप सबकी माँ को लगता है कि अगर मैं आप लोगों को खाना बनाना अच्छी तरह से सिखा दूं तो आप लोगों की शादी हो जाएगी। तरला उन्हें ये भी समझाती है कि आप लोगों का जो पैशन है उसे जारी रखना। ऐसे करते करते तरला सभी को खाना बनाना सिखाने लगती है और थोड़े ही दिनों में तरला के घर में स्टूडेंट की लाइन लग जाती है। मगर ये बात वहाँ के सोसाइटी के बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और एक दिन सोसाइटी का एक मेंबर तरला के घर के बाहर का गेट लॉक कर देता है, जिसके चलते सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और क्लास नहीं कर पाते। इधर हम नालिन को देखते हैं, वो देखता है कि फैक्ट्री के बाहर सारे वर्कर हड़ताल कर रहे हैं। ये देखकर नालिन मरकन से कहता है कि लगता है ये हड़ताल बहुत दिनों तक चलने वाली है। इसके बाद हम तरला को देखते हैं जो सोसाइटी मेंबर्स के लिए अपने हाथों से बनाई हुई लड्डू लेकर उनके पास जाती है और सभी मेंबर तरला के बनाए हुए लड्डू को खाते हैं। मगर जब तरला कहती है कि मोहल्ले के कुछ लड़कियां मेरे घर खाना बनाना सीखने के लिए आना चाहती हैं, तो सोसाइटी के मेंबर उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि आप अपने घर में ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती क्योंकि इनसे बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। रात के समय जब नलिन अपने घर आता है तो कहता है कि हमारी फैक्ट्री बंद हो चुकी है और सभी वर्कर्स को बाहर निकाल दिया गया है। ये सुनकर तरला परेशान हो जाती है। नलिन कहता है कि अब मुझे दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। फिर जब एक दिन तरला अपनी आंटी के साथ मार्केट से सब्जी खरीदने जाती है, तरला कहती है कि सोसाइटी के बाहर मुझे एक छोटा सा ऑफिस भाड़े पर लेना चाहिए और वहाँ मुझे क्लासेस कराना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि नालिन को भी मदद हो जाएगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नालिन अपने टाइपराइटर पर कुछ टाइप कर रहा था, तभी नालिन तरला से कहता है कि तुम्हारी जितनी भी रेसिपीज हैं वो मुझे दे दो, मैं सभी को टाइप कर दूंगा और तुम सभी को ये रेसिपीज बांट देना। ये सुनकर तरला कहती है कि अगर मैं रेसिपीज सब में बांट दूंगी तो क्लासेस करने के लिए कौन आएगा। फिर उसी रात जब दोनों सो रहे थे, तरला नालिन से कहती है कि अगर मैं सारी रेसिपीज को एक बुक में पब्लिश करके उसे बेचूंगी तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारी लड़कियां खाना बनाना सीख जाएंगी। ये सुनकर नालिन खुश हो जाता है और ये काम वो करने के लिए कहता है। इसीलिए अगले दिन तरला एक पब्लिशर के पास जाती है और उसे अपने बुक को पब्लिश करने के लिए कहती है, मगर वो पब्लिशर उसकी बुक छापने से मना करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बुक नहीं बिकने वाला। ये सुनकर तरला गुस्से में वहां से चली जाती है। तरला नलिन से कहती है कि वो पब्लिशर हमारी बुक नहीं छापेंगे। नलिन कहता है कि हम अपनी बुक को खुद ही पब्लिश करेंगे, इसके लिए चाहे जितने भी पैसे लगें। इसके बाद तरला नलिन को अपनी सारी रेसिपीज बनाकर नलिन को खिलाती है और नलिन उन सारे रेसिपीज को एक बुक में लिख देता है और उसका एक कवर पेज भी बनाता है जिसमें तरला का फोटो था, और आखिर में पूरी बुक तैयार हो जाती है। मगर किसी कारणवश बुक नहीं बिक पाती और सारे के सारे बुक को नलिन और तरला भंगार वाले को बेच देते हैं और बदले में उन्हें सिर्फ 80 रुपए मिलते हैं। तरला ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, मगर नलिन उसे समझाता है कि ऐसा होता है मगर आगे अच्छा होगा, और कहता है कि भंगार वाले ने 80 रुपए दिए हैं जिसे आज हम बाहर खाना खाने चलेंगे। जब वो लोग खाने के लिए बाहर जाते हैं, होटल का शेफ उन्हें रेसिपीज के बारे में समझाता है, मगर तरला समझ जाती है कि ये रेसिपीज तो मेरा है। होटल का शेफ कहता है कि ये सारी रेसिपीज मैंने एक बुक से बनाई है जो कि तरला दलाल की है,
तरला कहती है कि तरला दलाल तो मैं ही हूँ। वो शेफ खुश हो जाता है और तरला का ऑटोग्राफ लेता है और तरला भी ये देखकर खुश हो जाती है कि वो भी फेमस हो गई है। और फिर वो दोनों जल्दी जल्दी भंगार वाले के पास जाते हैं और अपनी सारी बुक को वापस खरीद लेते हैं। नलिन कहता है कि बुक में क्वालिटी है मगर हमें किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को खोजना होगा। ये सुनकर भंगार वाला वापस उनसे बुक ले लेता है और कहता है कि ये सारे बुक मैं बेचूंगा। और ये सुनकर दोनों मान जाते हैं और धीरे धीरे करके बुक बिकना शुरू हो जाते हैं। फिर एक दिन उसी होटल में तरला का इंटरव्यू लिया जाता है। तरला कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी रेसिपीज इतनी अच्छी है और अभी तक 10,000 कॉपीज बिक चुके हैं और आगे बहुत काम करना है। तभी वहाँ पर वही पब्लिशर आता है जिसके पास तरला पहले गई थी। वो नलिन से कहता है कि तरला आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई मगर आप तो वहीं के वहीं हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है मगर ये सुनकर नलिन थोड़ा सा जलन फील करने लगता है। इसके बाद भंगार वाला अपनी एक नई दुकान खोलता है जिसमें तरला के सारी बुक्स को वो रख देता है। भंगार वाला कहता है कि आप चाहे जितने भी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं मगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बुक्स मुझे ही देना। मगर नलिन कहता है कि पब्लिश कोई भी करे डिस्ट्रीब्यूशन आपको ही मिलेगा। ये सुनकर तरला नलिन से पूछती है कि पब्लिश तुम क्यों नहीं करोगे। नलिन कहता है कि मैं पब्लिशर अभी बना हूँ मगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे वापस काम ढूंढना होगा। फिर एक दिन नलिन अपने दोस्त के कंपनी में जाता है जॉब ढूंढने के लिए मगर उसका दोस्त कहता है कि पिछले महीने उसने किसी और को रख लिया है। ये सुनकर नलिन थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वहाँ से चला आता है। इधर हम देखते हैं कि तरला को एक टीवी शो करने के लिए बुलाया जाता है जहां उसे कहा जाता है कि आपकी रेसिपी बहुत बिक रही है और इसी के लिए हमें कुकिंग शो करना चाहते हैं अगर आप राजी हो तो। ये सुनकर तरला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इधर नलिन बहुत सारे कंपनीज में इंटरव्यू देने जाता है पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके चलते वो और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। फिर एक रात जब तरला घर वापस आती है वो सभी को खुशखबरी देती है कि आज मेरे शो का नाम फाइनल हो चुका है। ये सुनकर भी सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं मगर वो देखती है कि उसकी सासू माँ भी वहाँ पर आई हुई है और वो सभी के लिए खाना बना रही थी। ये देखकर तरला अपनी सासू माँ से कहती है कि मैं खाना बना देती हूँ मगर उसकी सासू माँ कहती है कि घर में राशन ही नहीं था। तरला कहती है कि नलिन लेकर आ जाएगा। ये सुनकर उसकी सासू माँ उसे कहती है कि जो काम करना है वो घर के बाहर करना लेकिन घर वापस आने के बाद तुम एक पत्नी हो, एक बहू हो, एक माँ हो, तुम्हें घर का ख्याल भी रखना है। ये सुनकर तरला थोड़ी सी उदास हो जाती है और नलिन से वो कहती है कि जितनी हो सके उतनी कोशिश मैं कर रही हूँ मगर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि घर में एक बावर्ची खाना बनाने के लिए आता है जिसे तरला ने काम पर रखा है। इधर हम तरला को देखते हैं जिसे अपने शो के लिए एक आदमी की जरूरत होती है जिसे खाना बनाने की इच्छा हो और तभी ऑडियंस का ध्यान बना रहेगा। इसी तरह वो अपना शो करने लगती है। तो वहीं तरला के छोटे बेटे को घर का खाना पसंद नहीं आता और वो रोज अपने खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नलिन फिर से इंटरव्यू देने के लिए जाता है जहां उसे मरकंद उसी कंपनी में काम करते हुए दिखता है। नलिन मरकंद से कहता है कि यहां मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूं और अब मुझे लास्ट राउंड के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर मरकंद समझ जाता है और नलिन से कहता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए आया था मुझे भी लास्ट राउंड के लिए बुलाया गया था और वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन राउंड है। और वो ये भी कहता है कि आपकी नौकरी लगभग हो ही चुकी है और वो उसे मुबारकबाद देता है। फिर अगले दिन जब नलिन अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था तरला कहती है संजू जो उनका छोटा बेटा है उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो नलिन से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए। ये सुनकर नलिन अपना इंटरव्यू पोस्टपोन कर देता है और इस वजह से वो थोड़े गुस्से में भी था। इधर जब तरला अपने शो पर पहुंचती है और कहती है कि आज मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत खराब है मगर जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है तरला को एक ही चीज वापस करने के लिए बार बार कहा जाता है जिसके चलते उसे देर हो जाती है। वो रात में घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद वो देखती है कि डॉक्टर संजू का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर कहते हैं कि ये खाना ही नहीं खाता इसके चलते इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है और वो कहते हैं कि मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं जिसे आपको टाइम पर इसे खिलाना होगा। इसके बाद नलिन अपने घर में चाय बना रहा था तरला आकर कहती है कि मुझे ये शो नहीं करना चाहिए था। मैं पूरी दुनिया को खाना बनाना सिखा रही हूं लेकिन मेरा ही बेटा खाना नहीं खाता। तरला ये भी पूछती है क्या मैं शो छोड़ दूं। नलिन कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है और जो तुम डिसाइड करोगी मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। इसके बाद नलिन एक कंपनी को फोन करता है अपने इंटरव्यू के लिए और वो इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया है कि वो इंटरव्यू देने के लिए भीख मांगने लग रहा था। इधर तरला रेणुका से कहती है कि मैं ये शो छोड़ना चाहती हूं क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली को परेशानी हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि नलिन को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां उसका बॉस उसे पूछता है कि आप शाम के समय इंटरव्यू देने के लिए क्यों नहीं आए थे। नलिन कहता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी और मेरी बीवी को भी काम पर जाना
करना था। फिर वो अपना बायोडाटा उन्हें दिखाता है और बायोडाटा देखकर उसका बॉस बहुत इम्प्रेस हो जाता है, मगर वो पूछता है कि बीच के 2-3 साल आपने काम क्यों नहीं किया, जिस पर नलिन कहता है अपनी बीवी के वजह से। ये सुनकर उसके बॉस गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी बीवी को जब भी काम पर जाना होता है तो आप इंटरव्यू कैंसिल कर देते हो। ये कहकर वो नलिन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर जब वो पूछते हैं कि आपकी बीवी क्या काम करती है, नलिन कहता है कि वो कुक है। ये सुनते ही उसका बॉस कहता है कि कहीं आप तरला दलाल के हस्बैंड तो नहीं। नलिन हाँ कहता है। ये सुनकर उसके बॉस उसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ और हमारी कंपनी को आप जैसे ओपन माइंडेड लोगों की जरूरत है, और नलिन को ये नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिलने के बाद नलिन को एहसास होता है कि इतने दिनों से वो तरला से जल रहा था। ये गलत था, क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। वो तरला के सारे चिट्ठी को पढ़ने लगता है, और रात के समय जब नलिन तरला को उन चिट्ठियों के बारे में बताता है, तरला कहती है कि मैंने वो शो छोड़ दिया। फिर नलिन कहता है कि लोग घर की औरतों को लक्ष्मी मानते हैं पर उन्हें घर से बाहर नहीं भेजते, मगर तुमने साबित कर दिया कि एक लड़की एक किचन में रहकर भी क्या क्या कर सकती है। बस उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक हीरो की जरूरत होती है जो उसका जिंदगी भर साथ दे। उसके बाद दोनों गले मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि तरलावा पर शो को ज्वाइन कर लेती है और सभी को कुकिंग सिखाना शुरू कर देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।